हाय, नाइस टू सी यू अगेन। तो आज की वीडियो सेक्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड में आने वाली कुछ प्रॉब्लम के बारे में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये 5 मेजर इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। सो इन डिटेल हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन है मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दे देता हूँ। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके आप उस टाइम से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड के बिगनर हो तो मोस्ट पॉसिबल है कि ये 5 क्वेश्चन को आप फेस करोगे। सो विदाउट एनी डिले अब हम हमारे ऑटोकैड स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं और इस 5 क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज आफ्टर ऑफसेटिंग। जब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करते हैं तो हमारा जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो क्यों इरेज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओ एंटर, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस 1 एंटर, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक सोर्स ऑब्जेक्ट है और ऑफसेटिंग के पास मेरा जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ एंटर डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन अवेलेबल है इरेज, देन उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो ये स्टेप पे ऊपर क्लिक करना, अगर नहीं तो नो के ऊपर। तो अभी मेरे केस में नो है तो मैंने नो क्लिक किया। अभी जस्ट पुट 1 टू स्पेसिफिक डिस्टेंस एंटर, देन अभी मैं अगर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा तो ये मेरा क्या होगा, सोर्स ऑब्जेक्ट अभी मेरा इरेज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन। सो विदाउट एनी डिले अब हम मूव करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन के साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू वर्क विथ मल्टीपल स्पेसिफिक डिस्टेंस वैल्यू इन ऑफसेट कमांड। सो बिफोर दैट इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब हम एक ऑफसेट करते हैं ओ एंटर, देन हमको एक सिंगल स्पेसिफिक डिस्टेंस डालना होता है, जैसे कि 2 एंटर। जब हम सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो एक ही सिंगल स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ हम लोग काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पर मल्टी स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ कैसे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 डाला था तो हर तरफ मेरा 2 ही डिस्टेंस आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, इस साइड 2 और इस साइड भी 3, तो मल्टीपल स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ काम करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ओ एंटर कर दीजिए, देन उसके बाद आपको यहाँ पर थ्रो का ऑप्शन होगा, थ्रो के ऊपर क्लिक करना है। देन अब आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, जो भी ऑफसेट डिस्टेंस आप डालना चाहते हो, जैसे कि 2 एंटर तो 2 हो गया, और इस साइड आपको अभी सिलेक्ट करना है, जैसे कि 3 एंटर हो गया तो 3 एंटर, देन इस साइड डालना है आपको, देन अभी मेरा होगा 5 एंटर तो 5। तो ये एग्जैक्टली क्या करेगा, एक मल्टीपल स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ हम ऑफसेट कमांड के काम कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी लिया था 2, तो मोस्टली ये 2 है, और ये लिया था मैंने अभी 5, तो ये मेरा कमांड 5 है। तो ऐसे हम एक ही ऑफसेट कमांड के अंदर मल्टीपल स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रू ऑप्शन। सो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो विदाउट एनी डिले हम हमारा थर्ड क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। सो अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि डायमेंशन एरर ड्यूरिंग ऑफसेट कमांड। जब हम ऑफसेट करते हैं तो कभी कभी हमारा डायमेंशनिंग एरर आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ओ एंटर डाला, देन उसके बाद थ्रो के ऊपर क्लिक किया, अभी यहाँ से मुझे डालना है 2 एंटर, देन अभी इस साइड से मुझे डालना है 4 एंटर। तो जब मैं अभी डायमेंशन चेक करूँगा तो यहाँ पर 2 इनपुट दिया था तो आ रहा है 1.85, और यहाँ पर मैंने 4 इनपुट दिया था तो आ रहा है मेरा 3.78। तो ये एरर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जस्ट आप डायनामिक इनपुट को ऑन कर दीजिए F12, देन उसके बाद आपका डायनामिक इनपुट ऑन हो जाएगा। अभी आप ऑफसेट कमांड को यूज करना ओ एंटर, देन अभी आप सिलेक्ट कर दीजिए थ्रो के ऊपर, देन अभी आपको करना है ऑफसेट ओ एंटर 2 एंटर, देन इस साइड पे भी ओ एंटर, देन 4 एंटर। अभी जाके डायमेंशन में चेक करता हूँ तो एग्जैक्टली 2 डायमेंशन आएगा, देन अभी मेरे डायमेंशन मैंने चेक करा तो एग्जैक्टली मेरा 4। तो इस तरह हम डायमेंशनिंग एरर को ऑफसेट कमांड में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो विदाउट एनी डिले हम अभी मूव करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन के। सो फोर्थ क्वेश्चन है, बोथ साइड ऑफसेट ऑफ ए सोर्स ऑब्जेक्ट एट ए सिंगल टाइम पॉसिबल और नॉट। तो क्वेश्चन को समझते, एट ए सिंगल टाइम हम बोथ साइड ऑफसेट नहीं कर सकते, जैसे कि ओ एंटर 2 एंटर यहाँ पर मैंने ऑफसेट किया, तो अभी मैं जब ऑफसेट करता हूँ तो सिंगल साइड ही होगा, एट ए सिंगल टाइम बोथ साइड ये ऑफसेट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है ओ एंटर मल्टीपल आप डाल के, जैसे कि यहाँ पर 2 मैंने एंटर कर दिया, देन आप
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीपल डाल के आप एट ए सिंगल टाइम नंबर ऑफ मल्टीपल कर सकते, बट आप एक सोर्स ऑब्जेक्ट की एट ए सिंगल टाइम बोथ साइड ऑफसेट नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सो विदाउट एनी डिले अब हम मूव करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के ओर। सो फाइनली हम मूव करते हैं फिफ्थ वन क्वेश्चन के साइड। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नॉलेज गेन हुआ तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो लास्ट फिफ्थ वन क्वेश्चन है, व्हाई माय ऑफसेट कमांड इज नॉट वर्किंग। एक रेगुलर क्वेश्चन है और जो कि ऑटोकैड के बिगनर होते हैं और ये इस प्रॉब्लम को रेगुलर फेस करते हैं। लाइक अब जब मैं ऑफसेट कर रहा हूँ ओ एंटर डाल के, ओ एंटर देन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डालना है टू एंटर, जब मैं अभी ऑफसेट कर रहा हूँ तो मेरा ऑफसेट नहीं हो रहा है और उस साइड भी कर रहा हूँ मेरा ऑफसेट नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन दो वे में आप कर सकते हो। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या है। अभी मेरा डिस्टेंस मोस्टली मैं चेक कर रहा हूँ 4 है, तो डिस्टेंस सही में। देन उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से लेयर में काम कर रहे हो। अभी मेरा लेयर करेंटली ऑफ है तो इसीलिए मेरा ऑफसेट नहीं हो रहा है, तो लेयर को ऑन कर दो। देखो मेरा अभी ऑफसेट हो गया। अभी जब आप ऑफसेट करने जाओगे तो ऑफसेट आपका काम करेगा। ओ एंटर देन आपको अभी डालना है 3 एंटर, अदरवाइज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दो, देन ऑफसेट स्टार्ट करना काम करता है। और सेकंड वे है, अभी आप ओ एंटर डालो, देन यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है लेयर, देन लेयर के ऊपर क्लिक करने से दो ऑप्शन आपका देखा, करंट लेयर और सोर्स लेयर। करंट लेयर मतलब जिस लेयर में अभी आप काम कर रहे हो, सोर्स लेयर मतलब आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सी लेयर में है उस हिसाब से ये सेट करता है। सो आप अभी करंट लेयर के बदले सोर्स लेयर को ऑन कर दो और अभी आप काम करो। सो आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।